इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं, एक दो होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके माँ बाप को अगर हम जोड़ लें, तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1,80,00,000, और 1,80,00,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। जहां हमें मतदान करना है, वहीं मतदान के दिन हमें सावधान भी रहना है। अगर हम सावधान रहकर के मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले चुनाव में, ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी।